दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर। देखिए, सलमान खान अक्सर हम देखते हैं कि शहनाज गिल के साथ रहते हैं और स्टेप बाय स्टेप उनको बहुत सारी सलाह भी देते हैं और एज अ फादर उन्हें अच्छी ट्रीट करते हैं, एज अ गाइड उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं। और इसी कड़ी में जो है शहनाज गिल और सलमान की एक तस्वीर और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें सलमान खान शहनाज गिल को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मांझा, मैं आपको बताऊंगी। अंत तक आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल शहनाज गिल वो सितारा है, वो उभरती सितारा है जो बिग बॉस 13 के बाद से लगातार एक मुकाम हासिल कर रही है। हाल फिलहाल में उनके सलमान के साथ मूवी आने वाली है किसी का भाई किसी की जान, जो कि आपको ये भी बताते चले कि रिलीज हो चुकी है। और इस मूवी को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और ख़ासतौर पर शहनाज को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे हैं जो कास्ट किए गए हैं और बिगनर्स हैं काफ़ी ज़्यादा। शहनाज गिल का ये बड़े पर्दे पर ये पहला डेब्यू मूवी है जो सलमान के साथ आ रहा है और इसमें राघव जुआल भी हैं। और आपको ये भी बताते चले कि शहनाज गिल इसके प्रमोशन में लगातार जुटी हुई हैं। अक्सर हमने देखा है कि इस बीच उनके इंस्टा स्टोरीज पर बहुत सारे वो स्टोरीज वगैरह डालती रहती है, प्रमोट कर रही है अपनी मूवी को। और इसी कड़ी में एक प्रमोशन प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे जहां पर वो अपने मूवी को प्रमोट करते हुए शहनाज गिल इमोशनल हो गई, जिसमें सलमान खान ने उन्हें साफ तौर पर कहा कि मूव ऑन शहनाज, अब वक्त आ चुका है आपको मूव ऑन करने की। दरअसल आपको बताते चले कि उनका इशारा जो था वो सिद्धार्थ पर था, सिद्धार्थ शुक्ला पर था। दरअसल बिग बॉस 13 में हमने देखा शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी, और ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि घर के बाहर भी उनकी जोड़ी बेमिसाल रही है। लोगों को वो दोनों काफी पसंद भी आए हैं, लेकिन सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज बहुत ज्यादा टूट गए। हालांकि उन्होंने अपने आप पर बहुत काम भी किया है, अपने आप को उन्होंने काबू भी किया है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिसकी वजह से शहनाज इमोशनल हो जाती हैं, सिद्धार्थ को याद करती हैं। और अक्सर इस बात का जिक्र जरूर करती है, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से हूँ। और इसी को लेकर शायद सलमान उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि अभी शहनाज का करियर जो है वो काफी लंबा है। आपको कैसी लगती है शहनाज, और क्या उनकी अपकमिंग मूवी आपने देखी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, ध्यान रखिएगा।